आप देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस न्यूज बुलेटिन, मैं हूं आपके साथ मधु सिंह। शुरुआत करते हैं सुबह 9 बजे तक की बड़ी खबरों के साथ, लेकिन सबसे पहले खबरें महानगर से जुड़ी हुई। 27 जनवरी को सांसदों के साथ बैठक करेंगी ममता। तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो व सीएम ममता बनर्जी 27 जनवरी को कालीघाट से एक वर्चुअल बैठक करेंगी। सांसदों के साथ सीएम की ये बैठक होने वाली है। केंद्रीय बजट अधिवेशन को लेकर इस बैठक में ममता बनर्जी तृणमूल सांसदों को अहम दिशा निर्देश दे सकती हैं। राज्य में कोरोना वायरस से गुरुवार को एक दिन में कोविड संक्रमण से 37 की मौत दर्ज की गई। कोविड के मामले एक बार फिर से 10,000 के ऊपर दर्ज हुए। एक दिन में कोविड के 10,959 नए मामले दर्ज किए गए। कोलकाता में कोरोना वायरस के मामले कम होते नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में एक दिन में 1,759 नए कोविड के मामले दर्ज किए गए। यहां एक दिन में कोविड से 9 लोगों की मौत हुई। हाईकोर्ट ने कहा शुभेंदु के घर के पास रात 8 बजे के बाद माइक नहीं। भाजपा व विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के कांथी के आवास के पास रात 8 बजे के बाद कोई माइक नहीं बजाई जा सकती। हाईकोर्ट के जस्टिस राजाशेखर मंथा ने ये आदेश गुरुवार को दिया। इसके साथ ही कहा कि शुभेंदु अधिकारी की सुरक्षा की जिम्मेदारी अकेले सीआरपीएफ की नहीं है, इसमें राज्य सरकार की भी भूमिका है। तृणमूल नेता शेख सुफियान को सुप्रीम कोर्ट से राहत। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस नागेश्वर राव और जस्टिस बीआर गवई के डिवीजन बेंच से शेख सुफियान को राहत मिल गई। डिवीजन बेंच ने उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है। यहां गौरतलब है कि चुनाव बाद हिंसा के मामले में सीबीआई उसके खिलाफ जांच कर रही है। एक नजर जिलों की खबरों पर। चंदन नगर में 4 नंबर वार्ड के भाजपा प्रत्याशी का बैनर फाड़े जाने को लेकर सरगर्मी है। आरोप है कि न केवल बैनर फाड़ा गया बल्कि टोटो से लाया गया बैनर लगाने के लिए वो भी हवा हो गया। भाजपा की ओर से तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ आरोप लगाया जा रहा है कि इस काम में उनका हाथ है। तृणमूल कांग्रेस ने आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कि ये भले ही राजनीति का मैदान है, लेकिन दोस्ताना तरीके से चुनाव लड़े जाएंगे। আমার বেশ কিছু ব্যানার ছিঁড়ে দেওয়া হয়েছে, ভেঙে দেওয়া হয়েছে। এই মুহূর্তে আজকে কিছুক্ষণ আগে ব্যানারের এইগুলো দেখতে সাংবাদিকরা এসছে, তাদের সামনে আমি টোটো করে নতুন ব্যানার 30 পিসের উপরে সামনে রাখলাম। রেখে তাদেরকে ঘুরে ঘুরে দেখাচ্ছি কোন কোন গ্রামের ব্যানারটা ছিঁড়েছে। ঘুরে এসে দেখি সেই 30 পিস নতুন যে ব্যানার, সেই ব্যানারটাও পাওয়া। সামনে একটা বাড়ি আছে, আর এছাড়া ওখানে রাস্তাটায় কোনো ই নেই, ফাঁকা জায়গা, কোনো সেই সময় লোক সংখ্যা সেরকম ছিল না, কিন্তু ঘুরে এসে দেখি 30 ব্যানার, সেই ব্যানারটাও নেই। এলাকায় এসব শিক্ষিত এলাকা, আমার মনে হয় না যে এখানে কেউ ফ্লেক্স ছিঁড়বে বা ওদের কেউ প্রচারে কোনো বাধা দেবে। কেন এরকম জায়গাটা নয়, আপনারা পাবলিকের সমীক্ষা করে দেখতে পারেন। এটা ভুলভ্রান্তি কথাবার্তা যদি বলে থাকে, আমার জানা নেই, ভুলভ্রান্তি কথাবার্তাই বলেছে। सड़क पर खड़ी कार ने रास्ता जाम कर दिया था। यातायात की समस्या के कारण चार पहिया वाहन हटाने के लिए कहने पर मारपीट की घटना रिसरा के न्यूदासपाड़ा इलाके में हुई। रिसरा नगर पालिका के पूर्व कर्मचारी तथा रेल पार्क इलाके के निवासी मदन गोपाल चंद बाइक से न्यूदासपाड़ा होते हुए घर लौट रहे थे, तभी रास्ते पर खड़ी कार की वजह से जाम लगा हुआ था। जाम देखकर उन्होंने कार के मालिक अंचित बाग, जो कि पूर्व सेना कर्मी है, उनको कार हटाने की बात कही, जिसके बाद विवाद हुआ। रुक करते हैं देश विदेश की बड़ी खबरों की ओर। ओमिक्रॉन की पहचान के लिए पैसे नहीं। 38 में से 5 जीनोम सिक्वेंसिंग लैब फंड नहीं होने के कारण बंद। पिछले महीने के मुकाबले सिक्वेंसिंग 40% घटी। अब पेश है आज का राशिफल। आज का पंचांग एवं राशिफल 21 जनवरी 2022 राष्ट्रीय तिथि 1 माघ 1943। आज गौरी चतुर्थी व्रत है। मेष राशि, दिन लाभदायक रहने की आशा है। रुका काम थोड़े प्रयास से संभव है। वृष राशि, आज कोई पारिवारिक समस्या आपके लिए चिंता का कारण बन सकती है, व्यर्थ के विवाद से बचें। मिथुन राशि, चल रहे प्रयासों में प्रगति की संभावना है, आलस्य का त्याग करें। कर्क राशि, सहयोगियों के सहयोग के साथ कर्म क्षेत्र से जुड़े रहें।
सिंह राशि, आर्थिक प्रगति के कुछ नए अवसर मिल सकते हैं, पारिवारिक प्रयास सफल होगा। कन्या राशि, दिन खर्च प्रधान बने रहने की आशा है, मन में कभी कभी खिन्नता का अनुभव कर सकते हैं। तुला राशि, कोई रुका काम किसी आत्मी के सहयोग से संभव है, मन में उत्साह रहेगा। वृश्चिक राशि, किसी प्रसन्नतादायक समाचार की आज प्राप्ति संभव है। धनु राशि, प्रगति प्रधान दिन बने रहने की आशा है। मकर राशि, स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखते हुए तनाव मुक्त रहने की चेष्टा करें। कुंभ राशि, सामान्य दिन आज बने रहने की आशा है, अपनों के परामर्श में कोई काम करें। मीन राशि, औसत प्रदान करने वाला दिन हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक के लिए इतना ही। सभी खबरों की विस्तृत जानकारी के लिए जुड़े रहिए खबर एक्सप्रेस के साथ। फिलहाल के लिए धन्यवाद।